नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप इंडिया अड्डा में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 की रिकॉर्डिंग बड़ी अपडेट आ चुकी है। दोस्तों फाइनली एक और आरआरसी ने कई सीसीए कैंडिडेट को फाइनल पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया है। करेंडम नोटिस भी जारी करा दिया गया आरआरसी की तरफ से, और सीसीए कैंडिडेट को जो पैनल लिस्ट से बाहर किया गया उसका स्पष्ट रीजन भी यहाँ पर जारी करा दिया गया है, किस कारण से सीसीए कैंडिडेट को यहाँ पर पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर एनएससी सर्टिफिकेट इशू डेट के रिकॉर्डिंग भी 12/4/2019 से पहले का होना चाहिए, ऐसा आरआरसी की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी करा दिया गया है। और कई सीसीए कैंडिडेट को भी फाइनल पैनल लिस्ट से यहाँ पर बाहर कर दिया गया है। इसी के बारे में पूरा डिटेल वाइज नोटिफिकेशन देखने वाले हैं और इस पर पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, किस कारण से कितने कैंडिडेट को पैनलिस्ट से बाहर किया गया है। तो इसके पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों आरआरसी ऐसा क्यों कर रही है जो बहुत सारे कैंडिडेट को पैनल लिस्ट से बाहर कर रही है? आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं जो पैनल लिस्ट बनाने में इतनी गड़बड़ी कर रहे हैं कि पैनल लिस्ट से बहुत सारे कैंडिडेट को बार बार अमेंड करेंडम कर रहे हैं? तो इसके बारे में पूरा डिटेल में पैनल लिस्ट पब्लिश किया गया, तो चलते हैं पैनल लिस्ट देखते हैं। ये रही आरआरसी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे आप आरआरसी सिकंदराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर जो ग्रीन कलर की लाइनिंग चल रही है यहीं पर ये नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। तो आप यहाँ पर ये पुराना वाला नोटिस इसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रही आपकी जो करेंडम वाले यहाँ पर फाइनल रिजल्ट दिखाई दे रहा है, यही वाले पे क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाए। करेंडम टू फाइनल रिजल्ट सीसीए डेट 21/3/2023 लिस्ट सेकंड सीएन नंबर आरआरसी 01/2019। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी करेंडम वाली नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी। ये रही आपकी करेंडम वाली नोटिस, यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण मध्य रेलवे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की तरफ से ये पब्लिश किया गया है। 25/3/2023 के डेट में पब्लिश किया गया था और फाइनली आज के डेट में वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। तो आगे यहाँ पर नीचे देखेंगे तो करेंडम की रिकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिस भी दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है, करेंडम टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट सीसीए सीएन नंबर 01/2019 लेवल 1-7 सीपीसी पे मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद बताया गया द फॉलोइंग 6 रोल नंबर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोस्ट इन द फाइनल रिजल्ट सीसीए अग्नेश सीएन नंबर आरआरसी 01/2019 डिक्लेयर्ड ऑन द 21/3/2023 एट दोज कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड आफ्टर सीसीए आफ्टर 2019। यहाँ पर फाइनल रूप से साफ साफ बता दिया गया है कि जो यहाँ पर 6 रोल नंबर दिया गया है ये वाले इनको बाहर कर दिया गया है, और यहाँ पर बताया कि 6 रोल नंबर को एक्सक्लूड कर दिया गया, रिस्पेक्टिव पोस्ट जो इनका दिया गया था पोस्ट, और यह रीजन बताया गया कि इनकी जो सीसीए कैंडिडेट हैं उनकी जो 21/3/2023 को पैनल लिस्ट पब्लिश किया गया था सेकंड पैनल लिस्ट जिसमें सीसीए कैंडिडेट का था, तो इनमें इन 6 कैंडिडेट का रोल नंबर पब्लिश किया गया था जो अब बाहर कर दिया गया है। और इनका रीजन बताया गया कि इनका जो सीसीए सर्टिफिकेट इशू किया गया वो 2019 के आफ्टर पहले इशू किया गया है, यानी अगर इनका जो 2019 का 12/4/2019 का लास्ट डेट बताया गया था लेवल ग्रुप डी फॉर्म भरते समय जो सीसी लेवल 1 पोस्ट के लिए वो लास्ट डेट के बाद इनका सर्टिफिकेट इशू गया, इस कारण से इनको फाइनल रूप से मेरिट लिस्ट से पैनल लिस्ट से बाहर कर दिया गया। 6 रोल नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है जो इनका यहाँ पर, आखिर आरआरसी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बार बार इनको करेक्शन क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लेवल 1 से लेवल 2 से लेवल 8 तक के कर्मचारी से अधिकारी तक लोग पैनल लिस्ट डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पर तब भी यह लोग गड़बड़ी कर रहे हैं क्योंकि बार बार रोज किसी न किसी हर पैनल लिस्ट पर करेंडम कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि फाइनली रूप से इनका जो 6 रोल नंबर यहाँ पर दिया गया है इनको 21 तारीख वाली जो पैनल लिस्ट पब्लिश किया गया था इनमें से इनका रोल नंबर को बाहर कर दिया गया। इनका रीजन स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि आपकी जो एनएससी सर्टिफिकेट जो एनएससी वाला सर्टिफिकेट है वो 12/4/2019 के बाद इशू हुआ है, इस वजह से आपको नहीं लिया गया है। तो आपकी जो पैनल लिस्ट फर्स्ट सेकंड पैनल लिस्ट जो सीसी कैंडिडेट की पब्लिश की गई थी वो वाली कौन सी थी, तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके लिए जैसे आप
RRC सिकंदराबाद की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पर नोटिस वाले रिजल्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पे नोटिस पब्लिश किया गया है। ये वाला नोटिस जो यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट सेकंड वाली यहाँ पर पब्लिश किया गया है। फाइनल रिजल्ट ऑफ द सी ए नंबर RRC 01/2019 पार्ट सेकंड CCA कैंडिडेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी नोटिस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी पार्ट पैनल सेकंड वाली। ये नोटिस जो आपकी पैनल यहाँ पर पब्लिश की गई थी 21/3/2023 को RRC सिकंदराबाद जोन की तरफ से, तो इसी में जो CCA कैंडिडेट थे 564 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाए फाइनल पैनल लिस्ट में डाला गया था, इन्हीं में करेंडम कर दिया गया, यानी इसमें 6 कैंडिडेट को जो रोल नंबर दिया गया आगे उनको फाइनल रूप से बाहर कर दिया गया है। और यही न्यूज आज के डेट में यहाँ पर करेंडम का नोटिस पब्लिश किया गया है। तो आप लोग अगर आप लोगों का रोल नंबर है तो आप लोग इसमें एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट है तो बेहचक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, टोटली आपकी हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से भी यहां पर करेंडम वाली नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां पर भी उससे ज्वाइन हो जाइएगा, आप वहां पर भी आपको पैनलिस्ट का करेंडम वाली नोटिस आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, कीप इन टच।